हाय एवरीवन, बिना आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका फिफ्थ पार्ट चैप्टर का। हमने ऑलरेडी चार पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आपको अभी तक ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन आता है, छोड़ो इसको हटा देते हैं। अच्छा, जो हमारे पास ये टॉपिक है आज का, वो अब हम आ गए बेटा थ्योरी पे। ठीक है, तो हम शिफ्ट कर जाएंगे ओनली ओनली ऑन थ्योरी पार्ट, जो इस चैप्टर को अब बिलोंग करता है। जो न्यूमेरिकल्स आने थे, जो क्वेश्चंस आने थे, जो रेशियो ये वो एंशन, जो मैथ्स आना था, वो सब अब खत्म। अब हमारे पास प्योरली क्या रह गया है, थ्योरी पार्ट। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपको कराऊंगी सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पॉइंट, ठीक है, वो कवर कर लेंगे, और म्यूटेशंस इसके बारे में बात करते हैं। तो हम इनहेरिटेंस देख चुके हैं, अब हम वेरिएशन वाले पार्ट पे आज से स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और आप देखोगे कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट चीजें बन जाती हैं, कैसे छोटी सी गड़बड़ एक अलग ही प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम कोमल यादव एंड आई विल बी टेकिंग योर बॉटनी सेशंस मंथन बैच पे, जिसपे हम सारे टीचर्स मिलके आपका बेड़ा पार लगाने आ रहे हैं, इधर तक आपको पहुंचाने की सारी तरकीबें बताने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी मेहनत किसकी होगी, आपकी। ओके, ऑलराइट। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना, जल्दी से अपने सारे दोस्तों को बुला लो। आज का टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत इजी, बहुत ही इजी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये टेलीग्राम ग्रुप, इस पे मैं पीडीएफ भी अपडेट कर दूंगी, तो दोनों चीजें आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, वील अपडेट द पीडीएफ। मिलते ही कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें, उनको सॉल्व करना और फिर आगे आगे बढ़ते जाना। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पांचवा सेशन। और ये जो टॉपिक है, इस पे हमने लास्ट सेशन एंड किया था, हमने लिंकेज रिकॉम्बिनेशन पढ़ा था। प्लीज कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है अभी तक, एक बारी देख लो बेटा, सेशन देखोगे ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये पूरी कहानी जो थी ये सब समझ में आ जाएगी, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन और दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस कैसे लिंक्ड है, वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर। आपके पास अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, जिसका मतलब कम लिंकेज। ठीक है, इसका उल्टा भी सही है, अगर कम डिस्टेंस है दो जीन्स के बीच में, जैसे कि आप यहां देख सकते हो दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस कम है, तो देर आर चांसेस ऑफ लेस रिकॉम्बिनेशन, और इसीलिए वहां पर ज्यादा लिंकेज की पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो एक तरीके से रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हुई ना बात। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। किसी भी इंडिविजुअल का अर्ली स्टेजेस में वो कौन से जेंडर में कन्वर्ट होगा, ये बताता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, डिटरमाइनिंग द जेंडर। तो इन द अर्ली स्टेजेस, अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आपको मिलेगा क्या, वो चीज पता चलेगी यहां पे, वेदर इट विल फॉर्म मेल और इट विल फॉर्म फीमेल। दैट इज डिवाइडेड कब, डिसाइडेड कब, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही, एग और स्पर्म के फ्यूजन के टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा प्रोजेनी। ठीक है, अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको गवर्न कर सकते हैं, जैसे एनवायरमेंट का इफेक्ट भी आता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, ये डिसाइड करने के लिए, कुछ एनिमल्स के अंदर ये डिसाइड करने के लिए कि मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। तो पहला तो हो गया कि एनवायरमेंट डिसाइड कर दे, दूसरा हो गया कि नॉन एलोजोमिक। बेटा एलोजोम्स क्या होते हैं, एलोजोम्स होते हैं हमारे पास सेक्स क्रोमोजोम्स, सेक्स क्रोमोजोम्स। ठीक, अब बच्चा सेक्स क्रोमोजोम जरूरी नहीं है प्रेजेंट हो, हमने लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखा सेक्स क्रोमोजोम होते ही नहीं है। जो सेक्स रिलेटेड जीन्स हैं, जो ये डिसाइड करेंगे कि मेल बनता है कि फीमेल बनता है, वो ऑलरेडी जो नॉर्मल बाकी सारे क्रोमोसोम है ना, उन पर प्रेजेंट है। ठीक है, या आप एग्जाम्पल ले लो जैसे बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया में कोई अलग से कोई क्रोमोसोम तो नहीं है, एक सिंगल आपके पास क्या है, मेन जेनेटिक मटेरियल उसका बीज का। लेकिन अगर आपको 11th का थोड़ा सा याद हो, तो हमने कहीं कॉन्जुगेशन पढ़ा था,
उसके बारे में मैं आज दोबारा बात करूंगी, ठीक है? तो नॉन एलोसोमिक में हमारे पास आ जाएगा नो सेपरेट सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है? नो सेपरेट सेक्स क्रोमोसोम्स, इन सबको तीनों को डिटेल में लेते हैं। एनवायरमेंटल, ठीक, वी आर स्टार्टिंग विद कौन सा? एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन एनवायरमेंट की वजह से, एनवायरमेंट का इफेक्ट, जैसे मान लो क्रोकोडाइल का, क्रोकोडाइल में ऐसे याद रखना कि क्रोकोडाइल की ना फीमेल बहुत कूल है, ठीक है? तो अगर लो टेम्परेचर हुआ तो वो जो एग ले करेगा ना वो फीमेल में बदल जाता है, क्रोकोडाइल की फीमेल कूल, सी सी सी, ठीक है? और अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो मेल में डेवलप हो जाता है, ठीक है? टर्टल्स में उल्टा, टर्टल्स में उल्टा, अगर टेम्परेचर हमारे पास हाई है, इन टर्टल्स हाई टेम्परेचर क्या बना देगा? मेल बना देगा। तो एक को याद रखना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा यार, ठीक है? दोनों याद रखोगे खिचड़ी हो जाती है दिमाग में, डोंट रिमेम्बर बोथ ऑफ देम। एक याद रखो, वो क्रोकोडाइल वाला याद रहेगा ना बस, दूसरा ये मान के चलो उल्टा है, लो टेम्परेचर में क्या बन जाएगा? मेल, अंकल बन जाएंगे, सॉरी फीमेल, यहां पे उल्टा। एनवायरमेंट का इफेक्ट उसमें डेवलपमेंट से आता है, कैसा एनवायरमेंट है उससे इंटरनल रेगुलेशन जीन का होगा, और जीन डिसाइड करेगा कि किस टाइप का बन गया हमारा ऑर्गेनिज्म, मेल बना कि फीमेल बना। ऐसे में एनवायरमेंटल नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन हॉर्मोनल है। हॉर्मोनल एक एग्जाम्पल है हमारे पास, और वो एग्जाम्पल है बोनीलिया विरिडिस का, बोनीलिया विरिडिस, ठीक है? अब बोनीलिया विरिडिस की मम्मी की बॉडी मान लो ये है, ठीक, ये मम्मी है, फीमेल मदर। इन्होंने क्या किया, लार्वी बनाए, जो लार्वी इनकी बॉडी को अटैच रह जाएंगे, ध्यान देना इस बात पे, जो लार्वी इनकी बॉडी को अटैच रह जाएंगे वो बन जाते हैं मेल। क्या बन जाते हैं? मेल। बेटा ये साइन में यूज करूंगी, आई होप आपको पता हो, लेकिन मैं यहां पे लिख दे रही हूं एक जगह पे ना, ये होता है फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये एरो वाला होता है मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है? जो बॉडी के पास रह गए लार्वी वो तो मेल में बदल गए, और जो दूर गिर गए ना बॉडी से लार्वी, ये बन गए फीमेल। क्यों? बॉडी से जो मदर है उसकी बॉडी से रिलीज होते हैं हॉर्मोन्स, उसकी बॉडी से जब हॉर्मोन रिलीज हो रहा है तो फीमेल हॉर्मोन रिलीज हो रहा है, आसपास वाले लार्वी को लगता है कि यार फीमेल तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मेल में बदल जाना चाहिए, प्रजनी बढ़ानी है ना, अल्टीमेट हर स्पीशीज का एक ही पर्पस है, दैट पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है? तो यहां पर भी वही चीज किया इसने। अब अगर बाय चांस मेरे पास मदर आसपास नहीं है तो हमने क्या किया, दूर है हम मदर से, कोई फीमेल हॉर्मोन्स नहीं आसपास, किसमें बदल जाएगा? फीमेल में। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आई ये बात? ये हुआ एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। अब आता है नॉन एलोसोमिक, सेकंड वाला, नॉन एलोसोमिक। नॉन एलोसोमिक का मतलब मेरे पास सेक्स क्रोमोसोम अलग से फॉर्म्ड नहीं होंगे, ठीक है? नो सेपरेट सेक्स क्रोमोसोम, कोई सेपरेट सेक्स क्रोमोसोम का प्रेजेंस नहीं है, जो भी जीन चाहिए वो मेन बॉडी पर ही प्रेजेंट है, मेन क्रोमोसोम, बाकी के जो है ना उन्हीं पे प्रेजेंट है। लेकिन इसमें एक एग्जांपल बैक्टीरिया का भी आता है, ज्यादातर प्लांट्स प्लांट्स का एग्जांपल हम लिखते हैं इसमें, लेकिन बैक्टीरिया अगर आपको याद हो तो बैक्टीरिया में मेन जेनेटिक मटेरियल होता था ये वाला बैक्टीरियल जीनोम, है ना? और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता था, अगर इस पे एफ जीन है तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड
और एक ऐसा प्लाज्मिड जो फर्टिलिटी प्रोवाइड करे, फर्टिलिटी प्रोवाइडिंग प्लाज्मिड, इसका दूसरा नाम एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड होने की वजह से ये बना पाता था एक एक्स्ट्रा सेक्स पाइलस ऐसे, जो कि जुड़ जाता था एक एफ नेगेटिव बैक्टीरिया से। इसको बोला एफ पॉजिटिव, इसको बोला एफ नेगेटिव, क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड है नहीं वाला, ठीक है। तो इसने जोड़ दिया, ये इधर से इधर जोड़ा, और अब इसकी कॉपी बन जाएगी और वो कॉपी इधर ट्रांसफर हो जाएगी। अब दोनों के पास हो जाएगा, तो एफ नेगेटिव से ये बदल जाता है इनटू एफ पॉजिटिव। ऐसा कुछ कुछ था, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कैसे बैक्टीरिया में जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। ये है वो कहानी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। ठीक है बच्चा, क्लियर? एंड लास्ट तो हमारा फेवरेट वाला है ही, सेक्स डिटर्मिनेशन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ प्रॉपर अलग से सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोमिक, ऐसी कंडीशन जिसमें सेपरेट सेक्स क्रोमोसोम्स का प्रेजेंस होगा। अब ऐसे में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दो लोगों के पास जा सकती है, या तो मेल रिस्पॉन्सिबल हो या फीमेल रिस्पॉन्सिबल। अगर मेल रिस्पॉन्सिबल है और मेल के अंदर दो अलग सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, जैसे एक्स और वाई, तो मेल कहलाता है हेटरोगेमिटिक। हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट, दो अलग गेमीट्स बना रहा है ये, ठीक है। एक्स एक्स फीमेल बनाता है, सेम है। देखो फीमेल के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो दो अलग गेमीट बनाए, लेकिन मेल के पास ऑप्शन है कि वो आधे गेमीट्स ऐसे बना दे जो एक्स क्रोमोसोम कैरी करते हो, और आधे गेमीट्स ऐसे बना दे जो वाई क्रोमोसोम कैरी करते हो। ये हमें मिलता है ह्यूमंस में, ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला में, ठीक है बेटा। इस पे ध्यान देना, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ये हद ही इजी टॉपिक है, मतलब इससे आसान टॉपिक ही नहीं है पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो अभी जो सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास बने, इनके कॉम्बिनेशंस बनते हैं यूजुअली। कुछ पार्ट्स इंडिया में बहुत बोला जाता है कि फीमेल्स डिसाइड करती हैं, उनको बोला जाता है कि लड़का क्यों नहीं है, लड़की क्यों नहीं है, जबकि फीमेल का तो रोल ही नहीं है दूर दूर तक। ऐसा भी नहीं है कि मेल कैन डिसाइड, मेल भी नहीं डिसाइड कर सकता कि एक्स क्रोमोसोम जा रहा है या एक्स कैरिंग स्पर्म जा रहा है या वाई कैरिंग स्पर्म जा रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए। कौन डिसाइड, कौन करता है ना? कोई ऐसा तो है नहीं कि डिसीजन है किसी का, लेकिन फिर भी अगर जेनेटिकली भी कोई डिसाइड कर रहा है ना, किसी के जीन्स भी अगर डिसाइड कर रहे तो वो मेल के कर रहे हैं, ठीक। दूसरी कंडीशन आती है एक्स ओ वाली, ग्रास हॉपर में। ग्रास हॉपर या टेप वर्म या राउंड वर्म्स में आता है, बग्स में, ट्रू बग्स, कीड़े, इनमें आता है एक्स ओ कंडीशन। ओ का मतलब ये नहीं है कि कोई क्रोमोसोम का नाम है, ये जीरो, कोई क्रोमोसोम ही नहीं है वहां। मेल का नंबर ऑड होगा क्रोमोसोम का। इसकी फीमेल के पास अगर 6 क्रोमोसोम्स हैं, डिप्लॉयड नंबर 6 है, तो मेल पे 5 है, क्योंकि यहां तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम है। तो ये जब ऑड नंबर के क्रोमोसोम आ जाते हैं ना, वो मेल हेट्रोगेमिटी में आ जाते हैं, ग्रास हॉपर में, ठीक है। अब ग्रास हॉपर डिसाइड करेगा अपने 50% गेमीट के पास, तो उसने एक्स क्रोमोसोम भेज दिया, 50% के पास कोई सेक्स क्रोमोसोम गया ही नहीं, गया ही नहीं। तो अब जाके वो फ्यूज करेगा अगर एग के साथ, तो मेल बना देगा, अगर एक्स वाला जाएगा तो फीमेल बना देगा, ठीक है। ये तो हो गई मेल डिसाइड कर रहा है, अब आते हैं फीमेल डिसाइड कैसे कर रही है। सेम कंडीशन, बस इस बार ना हमने क्रोमोसोम का नाम अलग दे दिया। हमने क्या बोल दिया? हमने बोल दिया कि जेड 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 डब्ल्यू बोल देता है, कंफ्यूजन ना हो जाए ना। जब मेल की बात करी तो हमने एक्स और वाई को ले लिया कंसिडरेशन में, जब फीमेल की बात करी तो हमने जेड और डब्ल्यू ले लिया। अब मेल नहीं डिसाइड कर रहा,
अब फीमेल डिसाइड करेगी, फीमेल बनाएगी दो अलग तरीके के गेमिट्स, फीमेल दो अलग गेमिट्स बनाती है, 50% जेड कैरिंग 50% डब्ल्यू कैरिंग, दोनों दोनों अलग अलग। ठीक है, जब यहाँ पे ऐसे कंडीशन बनेगी, ये आता है हमारे पास बर्ड्स में, हेन चिकन, ठीक है, बर्ड्स में हमें दिखाई देता है, रेप्टाइल्स में हमें दिखाई देता है, रेप्टाइल्स में हमें दिखाई देता है ये वाला सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, काफी में देखो वैरी कर सकता है बेटा, छोटे छोटे मतलब कितने तो एग्जाम्पल्स आते हैं यार, कितने एक्सेप्शन आते हैं, अगर बायो में एक्सेप्शन नहीं तो काहे का बायो। ठीक है, तो ये वाली चीज हमारे पास है कि हाँ हम जनरल पॉइंट पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर जरूर एक्सेप्शंस मिल सकते हैं। लास्ट आता है हमारे पास फीमेल हेट्रोगेमिटी, अब जिसमें फीमेल के पास ऑड नंबर हो जाएंगे, ये जीरो फिर से नो क्रोमोजोम को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ कोई क्रोमोजोम नहीं है। ठीक है, जब कोई भी क्रोमोजोम नहीं है तो ये कंडीशन किधर आती है, मॉथ, छोटे छोटे कीड़े नहीं होते उड़ने वाले, बटरफ्लाई जैसा, बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज डिसाइड कर रहे हैं, फीमेल डिसाइड्स, फिर वही बात हो गई, डिसीजन किसी का भी नहीं है, लेकिन दो अलग तरीके की गेमेट कौन बना रहा है, बस वही डिसाइड कर रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इधर से आएगा, ये ह्यूमंस वाले में सिंपल, कि चलो भाई मेल यहां से एक्स वाई बना रहा है क्रोमोसोम, फीमेल एक्स एक्स बना रही है क्रोमोसोम, क्या परसेंटेज है मेल आने की, क्या प्रोबेबिलिटी है सन्स आने की, क्या प्रोबेबिलिटी है फीमेल्स आने की, 50-50%। और ऐसा लगता है लोगों को कि जो पनेट स्क्वायर हम बनाते हैं ना उसमें हर कोई एक एक बार ही आएगा, नहीं, हर प्रेगनेंसी में पनेट स्क्वायर दोबारा बनता है, हर बार एक नया पनेट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मेल या फीमेल आने की 50-50%, क्लियर, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको ध्यान से देखना, कोई डाउट्स आएंगे मैं 5 बजे 5 PM मेरे स्पेशल क्लासेस होते हैं, यू कैन कम फॉर दैट, डाउट्स लेके आओ, पढ़ के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ जरूर मिलूंगी मैं। ठीक है, ऐप पे ऐप डाउनलोड करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और आ जाओ क्लास में। ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, डाउट क्लियरिंग पूरे मंथन बैच में जितने बच्चे हैं जो भी आ रहा है सबके लिए एकदम फ्री। ठीक है, बस क्लास में मिलो तुम मुझको, आई विल सी यू देयर। ओके, चलो अब आता है कहानी में ट्विस्ट। मैम आपने तो बोला ड्रोसोफिला एक्स बाय एक्स एक्स सेक्स डिटर्मिनेशन में ह्यूमन जैसा है, सही बात है, लेकिन एक साइंटिस्ट आए किस नाम से, सी ब्रिजेस के नाम से। ठीक है, सी ब्रिजेस के नाम से एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि यार कुछ तो झोल चल रहा है ड्रोसोफिला के अंदर। हमने बोला क्या, उन्होंने बोला देखो यहां पे ना एक्स और वाई एग्जैक्टली डिसाइड नहीं करता, कौन डिसाइड करता है इसकी कितने एक्स क्रोमोसोम है और कितने ऑटोसोम्स हैं, मतलब बचे हुए क्रोमोसोम, कितने एक्स क्रोमोसोम है और बाकी का कितना ग्रुप है मेरे पास। जैसे ड्रोसोफिला की अगर बात करूं, हैप्लोइड नंबर है, हैप्लोइड नंबर है 4, हैप्लोइड नंबर 4, 1, 2, 3 और एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, 1, 2, 3 और वाई क्रोमोसोम लो, तो ये तो हो गया एक्स और ये पूरा सेट हो गया बेटा ऑटोसोम ए, और ये पूरा सेट हो गया दूसरा ऑटोसोम एक और ए। ठीक है, उन्होंने बोला इसका रेशियो डिसाइड करता है, अगर एक्स अपॉन ए आता है 1, आप ध्यान से देखो कोई भी कंडीशन हो जाए एक आ जाता है अगर नंबर, तो फीमेल बन जाती है नॉर्मल। ठीक है, जैसे मान लो ऑटोसोम 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 3 या 4 प्लस एक्स 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 ऐसे है, तो 4/4 मेरे पास वैल्यू आ गई 1, नॉर्मल फीमेल बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। यही पे रेशियो अगर आ जाता है 0.5 तो नॉर्मल मेल बन जाता है। ठीक है, लेकिन इस मेल वाले में एक झोल है, पॉइंट में मेल वाले में झोल क्या है कि हमारे पास ऑटोसोम ऑटोसोम प्लस एक्स और वाई में एक्स अपॉन ए का रेशियो 1/2 आ रहा है, 0.5 आ रहा है।
ठीक है, लेकिन एक कंडीशन से और आ सकता है। कैसी कंडीशन से एक और आ सकता है, ये देखो इसको यहां पे लिख रही हूं, ए प्लस एक्स, अगर वाई क्रोमोसोम आया नहीं तो जीरो, बाय चांस कुछ गड़बड़ हो गई, वाई क्रोमोसोम नहीं आया, तो ये कंडीशन भी तो 1/2 करके मुझे 0.5 दे सकती है, तो ये भी मेल बनना चाहिए यार, क्योंकि ये भी मेल बना, बन गया मेल बन गया, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि ये बना स्टेराइल, स्टेराइल, क्योंकि वाई क्रोमोसोम का जो फंक्शन है ड्रोसोफिला के अंदर, जो फंक्शन ड्रोसोफिला के अंदर है वो उसके स्पर्म को मोटिलिटी देने का है, वो मेल बनाने का नहीं है, समझे मेरी बात। एक्स अपॉन वाई का रेशियो अगर 0.5 आता है तो मेल बनता है, तो मेल तो बन जाएगा वाई क्रोमोसोम के बिना भी, लेकिन क्या वो एक फर्टाइल मेल होगा? नहीं, नो। ठीक है, यही भी कंडीशन कुछ बच्चे जो ऑलरेडी जानते होंगे उनको थोड़ा एकदम ऐसे होगा, मैम ये तो फीमेल बन जाता है, ह्यूमंस में बनता है बेटा, ह्यूमन में ये कंडीशन फीमेल बनाती है, जबकि ड्रोसोफिला में ये कंडीशन मेल ही बनाती है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं इसको ह्यूमंस के अंदर, जहां एक फर्टाइल फीमेल बनती है, लेकिन ड्रोसोफिला में ऐसा नहीं है। ड्रोसोफिला में क्या डिसाइड करता है, एक्स अपॉन ए का रेशियो डिसाइड करता है, 1 आया तो फीमेल, 0.5 आया तो मेल, 1 और 0.5 के बीच में 6 आया तो इंटरसेक्स, दोनों सेक्सेस कैरी कर लाएगा, 0.6, 1 से ज्यादा आ गया, सुपर फीमेल बन जाती है, बड़ी साइज की फीमेल, मतलब इतनी भी बड़ी नहीं, थोड़ा बड़ा साइज हो जाता है आपके फ्रूट फ्लाई का, ठीक है, और बड़े बड़े विंग्स हो जाते हैं, मेल सुपर मेल कैसा बनेगा, 0.5 से नीचे आ गया अगर रेशियो, तो ये वाली कहानी आ गई तो। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सी ब्रिजेस अंकल ने दिया, और इसका नाम है, यहां पे लिख रही हूं मैं, किधर जाऊं, इधर जाते हैं, जीनिक बैलेंस थ्योरी, और जीनिक बैलेंस सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, कहानी में ट्विस्ट ड्रोसोफिला तो है ही, लाने के लिए, वो ट्विस्ट लाने के लिए है जिंदगी में हमारी। ठीक है, अब देखो बच्चे आगे एक और कहानी में ट्विस्ट, हमने कितना सिंपल सा बोला ना कि सेक्स डिटर्मिनेशन तो क्या है, एक्स ले गया भाई, कहानी में ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। अब अगर मैं बात करती हूं हनी बी, ठीक है, हनी बीज, एंट्स, बीज, यस, ठीक है, चीटियां, एंट्स, वास्प्स, इनमें कुछ अलग ही कहानी चल रही है, इधर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वाया हैप्लोइड डिप्लोइड कंडीशन, ये है हैप्लोइड और डिप्लोइड सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लोइड डिप्लोइड सेक्स डिटर्मिनेशन में कहानी शुरू हुई क्वीन बी से, ये हमारी क्वीन बी है, मक्खी मक्खी ट्विंग ट्विंग ट्विंग, ठीक है, ये हमारी क्वीन भी है, इसके सर पर ताज है, ये फीमेल है ऑब्वियसली, है ना, क्वीन भी इज फीमेल, तो फीमेल विद अ क्राउन ऑन हर हेड, इसका क्रोमोसोम नंबर है 32, मेल, ये है हमारे पास मेल, ये ऐसे विंग विंग ट्विंग ट्विंग ट्विंग, मेल है हमारे पास, एंटीना के साथ मूछें बना लेता है इसकी, ये लो, ठीक है, ये मेल है, इसको हम बोलते हैं ड्रोन, इसका हैप्लोइड नंबर है, ये क्रोमोसोम 16 कैरी करता है, जस्ट हाफ ऑफ क्वीन बी। ठीक है, जब बेचारा ऑलरेडी हैप्लोइड है काय का मियोसिस करेगा, कर ही नहीं सकता, मियोसिस होगा ही नहीं, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, रिड्यूस में कर ही नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी आधा नंबर है, तो ये क्या करता है, ये माइटोसिस से गेमीट बना देता है, गेमीट जो बनाएगा वो माइटोसिस से बना देगा, बड़े चलो कोई नहीं, आ गए ना, एटलीस्ट गेमीट आ गए हमारे पास, ये पॉइंट है।
इसमें तो है पॉसिबिलिटी, ये डिप्लॉयड है 2n, इसमें पॉसिबिलिटी है। तो इसमें हम प्रॉपर मियोसिस कराते हैं और उस मियोसिस से हम चार गेमीट बनवाएंगे, मस्त मस्त सारे के सारे, 16 16 16 16 एग में। ये कौन हो गए? ये सारे हो गए एग, मियोसिस से बने हैं, ध्यान से देखना। ये दोनों अगर फर्टिलाइज हो गए तो 32 बन जाएगा, ये फीमेल बन जाएगी। क्वीन बनेगी ना बने वो तो अलग है डिसीजन, वो अलग चीज है, लेकिन ये फीमेल बन जाएगी। ठीक है, ये वाला एग भी अगर फर्टिलाइज हो गया तो ये भी फीमेल बन जाएगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर अनफर्टिलाइज रह गए एग्स, तो फीमेल के पास कुछ ऐसे एग्स भी हैं जो फर्टिलाइजेशन जिनमें होगा ही नहीं, अनफर्टिलाइज्ड, तो ये बन जाता है 16 एज इट इज, ये बन जाएगा मेल ड्रोन। ठीक है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, बस ड्रोन के कोई पापा नहीं है, देखो है ना, ड्रोन के कोई पापा नहीं है, क्योंकि वो तो अनफर्टिलाइज्ड एग से बना बेचारा। कैसे बना, प्रोसेस क्या होता है ये, जब सीधा आपका ऐसे ही एक्ट करने लग गया डायरेक्टली ना, जाइगोट आपका मतलब एग था, वही एक्ट करने लग गया जाइगोट, जैसे कि मैं ही आज से जाइगोट हूं, मैं ही एम्ब्रियो बनूंगा, मैं ही हूं जो हूं। ठीक है, तो इसके कोई पापा तो है नहीं, लेकिन इसके नाना जी हैं, मम्मी के पापा तो थे, मम्मी है, ठीक है, पापा नहीं है लेकिन मम्मी के पापा तो थे, फादर नहीं है लेकिन ग्रैंड फादर है। अ ड्रोन डज नॉट हैव अ फादर बट हैज अ ग्रैंड फादर। ठीक है, अब ये जो मेरे पास अनफर्टिलाइज्ड मेल बना, अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल बना, इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं पार्थिनो पार्थिनो जेनेसिस। पार्थिनो जेनेसिस का मतलब आपके पास सीधा डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट का बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। पार्थिनो मीन्स वर्जिन, सो विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका एम्ब्रियो बन गया। पार्थिनोजेनेसिस से बनेगा कौन? ड्रोन। ठीक है, दिस इज हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब एक ये देखो, ये भी झोल मास्टर, इसको हम बोलते हैं, पिक्चर दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं गाइन एंड्रोमोर्फ। क्या बोलते हैं इसको? गाइन एंड्रोमोर्फ, गाइन एंड्रो मॉर्फ। इसमें आपको आधी बॉडी मेल की दिख रही है, आधी बॉडी फीमेल की दिख रही है, मेल फीमेल कैसे बन गया सोचो। ये आपका नॉर्मल एक्स एक्स एक्स, ये ऐसा था, ये जाइगोट था मेरा। ठीक है, हमारे पास ये जाइगोट की फॉर्म में था, कुछ डिवीजन हुई, कुछ गड़बड़ हो गई, डिवीजन के टाइम पे ढंग से मियोसिस माइटोसिस हमने कराया नहीं, पोपट हुआ, उसके चक्कर में मेरे पास बन गए दो सेल्स, एक्सीडेंटल लॉस है ना, लॉस हो गया, ये हो गया एक्स ओ और दूसरा सेल बन गया मेरे पास ए ए प्लस एक्स एक्स। गड़बड़ कैसे हो गई? देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो क्रोमोसोम टूट गया हो, ठीक है, या जब आपका न्यूक्लियस वापस बंद हुआ तो बाहर रह गया, ठीक है, उस मिसप्लेस हो गया, किसी और रीजन से गड़बड़ हो गई, कोई भी रीजन हो सकता है, एक्स वाई जी, बहुत रेयर है, ये जरूरी नहीं है हमेशा होगा बट रेयर है। तो ये डेवलप हो जाएगा किसमें? मेल में, ये पार्ट डेवलप हो जाएगा फीमेल में, तो आपके पास क्या आएगा? वर्टिकली डिवाइडेड, आधा मेल आधा फीमेल, ये वाला पार्ट फीमेल, ये वाला मेल, या कुछ भी जैसे भी लगा लो आप। ठीक है, इसको कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए मैं दोनों का साइड वही रख देती हूँ। लो ये भी कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं इसको, ये लो जी बाबा। ठीक है, बटरफ्लाइज वगैरह में मिल जाता है, बहुत गड़बड़ झोल है लेकिन है, कभी कभार कहीं कुछ क्वेश्चन में दिख जाएगा आपको ये ऑप्शंस में, वैसे नहीं आता, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में, चिंता मत करो, लेकिन कहीं किसी ऑप्शन में आ जाएगा तो फिर घबराते मेरे पास मत आना, मैम ये भी हो गया वो भी, कुछ नहीं होगा, जस्ट वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल।
ठीक है, चलो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस करेक्टली, पेपर में जब भी आपके पास कुछ ऐसा आ जाए ना, लिख लिया करो या बेटा अंडरलाइन कर लिया करो करेक्टली, क्योंकि आप मेन गलतियां यही करते हो. करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स, इसको देखना. करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स इन द गिवन एग्जाम्पल. करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमें. होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन फीमेल सेक्स इन बर्ड्स. आप जानते हो कि फीमेल क्या होती है हेटरोजाइगस बर्ड्स में, तो ये कंडीशन गलत हो गई, ये ऑप्शन गलत हो गया. एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम डिटरमाइंस मेल सेक्स इन ग्रास हॉपर. कुछ ठीक सा लग रहा है लेकिन आगे देखते हैं. एक्सओ कंडीशन इन ह्यूमंस आर फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइंस फीमेल सेक्स. ये ठीक है कंडीशन, लेकिन क्या ये हमेशा फीमेल सेक्स के लिए यूज करोगे आप, है ना? तो इसको भी होल्ड करते हैं एक बारी, इसको भी होल्ड करते हैं. आगे वाला पढ़ो. होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एक्स डेवलप इन टू मेल मेल ड्रोसोफिला. ना बाबा ना, ये तो गलत ही. अब मेरे पास ऑप्शन है कि कौन से वाले को हम करेक्ट आंसर करें. एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिटरमाइंस मेल सेक्स इन ग्रास ऊपर. तो ये तो भाई स्टेटमेंट बिल्कुल ही ठीक है, इसमें तो मैं एक्सेप्शन ला ही नहीं सकती. दूसरे वाले को देखो. एक्सो कंडीशन इन ह्यूमंस आर फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइंस फीमेल सेक्स. डिटरमाइंस फीमेल सेक्स हमेशा फीमेल में क्या ऐसी कंडीशन दिखेगी? नहीं. तो आप इसको अब एलिमिनेट कर सकते हो, अब आप बी को टिक कर सकते हो. आई होप ये सबने आंसर सही किया होगा. एक्सेप्शन, आप लोगों के सबसे बड़ा डाउट यही आता है ना बेटा कि एक्सेप्शन मैम मैं कब लूँ कंसिडरेशन में, होता है ना दिमाग में ये सबसे बड़ा बायो में प्रॉब्लम होती है कि आपको ये नहीं समझ में आता कि एक्सेप्शन को कंसिडर करूं कि नहीं करूं. एक्सेप्शन को कंसिडर करने के लिए ऊपर क्वेश्चन में एक्सेप्शन को दिया होगा, ठीक है, तो कंसिडर करो. और दूसरी चीज, ऑप्शन में अगर दो स्टेटमेंट फंस रही हैं तो एक को एलिमिनेट करने के लिए कर लूज एक्सेप्शन, वरना नहीं. बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बेसिक लाइन को एक्सेप्शन बना जाते हैं और एक्सेप्शन को बेसिक लाइन बना देते हैं. यार ये गड़बड़ नहीं करो प्लीज भाइयों में, यही सबसे बड़ा घुमाव है, ठीक है. दिस इज द ट्विस्ट दैट वी हैव, ध्यान रहेगा. एक और क्वेश्चन देखो. इन ड्रोसोफिला सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, देखो 2003 का क्वेश्चन है, काफी पुराना हो गया लेकिन नॉट बैड. द रेशियो ऑफ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम्स टू द पेयर ऑफ ऑटोजोम्स सेकेंड ऑप्शन. Whether the egg is fertilized or develops parthenogenetically. Third point, the ratio of number of X chromosomes to the set of autosomes. ठीक है, and last is X and Y chromosome. अब पहला वाला ऑप्शन और दूसरा वाला ऑप्शन तो आपको देखो, आप ये देखो, ये वाला ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हो जीनिक बैलेंस थ्योरी होती है. हटाओ, ये हैप्लॉयड डिप्लॉयड की बात कर रहा है, हटाओ. अब ए सही कि बी सही? क्या हम पैर गिनते हैं? नहीं. पैर गिनना कैसे होगा? जैसे मान लो एक्स क्रोमोसोम 2 3 4, एक्स क्रोमोसोम 2 3 4, ठीक है. मैंने पहले क्रोमोसोम को एक्स बोल दिया, मैंने बोला था ये पूरा सेट को हम ऑटोसोम बोलते हैं. अगर आप पैर गिनने जाओगे तो ये 3 पैर हो गए भाई, 1 2 3. नहीं, आपने पूरा सेट लिया है यहां पे, ये भी होल सेट ऑफ ऑटोसोम्स आर यूज्ड, पैर नहीं. पैर गिनोगे तो 3 है, 2 का 1 पैर, 3 का 1 पैर, 4 का 1 पैर, ठीक है. क्लियर मेरे पॉइंट? तो दैट इज हाउ आप एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व करो. बायो में बहुत चांसेस है आपका वो सिली मिस्टेक्स, या मैम बायो में 300 से ऊपर नहीं हो रहे, 330 से आगे नहीं जा रहा, वो सारा प्रॉब्लम यहां क्लियर हो जाएगा. और जो बच्चे कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने ही मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स आ रहे हैं बायो में, 150 नंबर आ रहे हैं बायो में, उनके लिए तो ऐसे जाना बहुत जरूरी है बेटा. 30 सेकेंड आप घर से लेके निकले हो ना बायो के एक क्वेश्चन को, तो उसको 2 सेकेंड में आंसर करने की क्या जल्दी है, लगा दो थोड़ा टाइम. धीरे 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 स्पीड बढ़ाएंगे, होंगे ये क्वेश्चन 2 2 3 3 सेकेंड में होंगे. देखा देखा देखा, हाँ ठीक है, एलिमिनेट कर, खत्म. लेकिन तब तक थोड़ा
ध्यान से, ठीक है? चल अब आते हैं वेरिएशन वाले पार्ट पे. दिस इज वेरी 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 ऑसम. चैप्टर का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. मैंने इनहेरिटेंस को पढ़ा दिया डिटेल में आपका, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, अंट शंट, ये सेक्सुअल डिटर्मिनेशन सब इनहेरिटेंस में आता है कि कैसे बात पिछले जनरेशन से इस जनरेशन में पहुंची है ना. यही था इनहेरिटेंस. वेरिएशन क्या है? कैसे मैं मम्मी पापा से एग्जैक्टली सेम नहीं हूं? व्हाट मेक्स मी डिफरेंट? आप में क्या अलग है? वेरिएशन इज द डिग्री, डिग्री बाय विच वी डिफर और प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट. अपने पेरेंट से कैसे आप अलग हो, ये है वेरिएशन. ठीक है? ये बैकबोन है एवोल्यूशन की, जेनेटिक्स की. अगर आप सोचो वेरिएशन ना हो एनवायरनमेंट में, क्या ही पढ़ेंगे हम जेनेटिक्स में? हम सारे अगर सेम हैं तो क्या ही पढ़ना है फिर? एवोल्यूशन ही नहीं हुआ होगा, एग्जैक्टली सेम है सब कुछ तो. लेकिन विद टाइम एवोल्यूशन हुआ. कैसे हुआ? ये वेरिएशन के दो तरीके हैं बच्चा हमारे पास. वेरिएशन इज ऑफ बाय टू मेथड्स. वेरिएशन का जो कांस्टेंट सोर्स है वो है मियोसिस. मियोसिस इज द कांस्टेंट कांस्टेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन. ठीक है? लेकिन दूसरा क्या है? म्यूटेशन. दिस इज द अल्टीमेट सोर्स, अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन. ठीक है? अब इमेजिन करो इन दोनों शब्दों को समझो. मियोसिस क्या है और म्यूटेशन क्या है. आप मानो आपके पास एक ताश का पत्ते के पूरा वो है, डेक है पूरा, क्या बोलते हैं इसको, ताश के पत्ते, सारे ताश के पत्ते हैं. ठीक है? तो ये जो सारे ताश के पत्ते तुम्हारे पास है, इसमें से मैं आपको बोलती हूँ हमेशा इसमें से पांच पत्ते निकाल के साइड रख दे. तो आपने शफल किया, आपने पांच पत्ते रखे, कॉम्बिनेशन आया पहला, फिर आपने उठा लिया उसको, शफल किया, फिर पांच निकाले, कोई और कॉम्बिनेशन आया, फिर शफल किया, फिर पांच निकाले, फिर कोई कॉम्बिनेशन आया. लेकिन ताश के पत्ते का साइज उतना ही है ना, है ना? वो सेट का साइज तो उतना ही है. हर बार नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है मियोसिस. हर बार एक नया कॉम्बिनेशन बन के आया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पत्तों के बीच में से. ऐसा ही होता है मियोसिस में, शफल होता है, कुछ नया नहीं आ रहा, नया कॉम्बिनेशन बन गया. ठीक है? लेकिन म्यूटेशन क्या है? ये ताश के पत्तों में आपने मान लो ऊनो, ऊनो में ये गेम आता है पत्तों वाले, वो डाल दिया, एक कुछ नया ऐड हो गया, साइज भी बढ़ गया, है ना? जितने पत्ते मेरे पास पहले थे उससे ज्यादा हो गए, ये हुआ म्यूटेशन. हो सकता है इनिशियली सिर्फ चार ही पत्ते हों ताश के, ठीक है? थोड़ा 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 चेंज आता चला गया, वो डेक मोटा होता चला गया, होता चला गया. तो अब मैं जब भी नया कॉम्बिनेशन बनाती हूँ, मेरे पास नए कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं. सेम सेट में जब शफलिंग होगी मियोसिस, लेकिन ये इतना मोटा हुआ कैसे? ओवर टाइम, धीरे 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 कुछ कुछ जीन्स में म्यूटेशन आते रहे, नए नए म्यूटेशन से नए नए वेरिएंट आ गए, नए नए एलील्स आ गए, और आज की डेट में जो हम देखते हैं अपने आसपास, शायद सब कुछ किसी म्यूटेशन का रिजल्ट है. ठीक है? किसी म्यूटेशन का रिजल्ट है जो पॉपुलेशन में बच गई. खुद ही सोचो ना, जो पॉपुलेशन में बच गई,
बच गई कैसे, कि ऐसी म्यूटेशन थी जो आगे पास ऑन हो जाए, नेक्स्ट जनरेशन में चली जाए और मारे ना, लीथल ना हो, जिसके होने की वजह से मैं मर ना जाऊं, ऐसी म्यूटेशन ना हो बस वो, ठीक है। सो अब इस दोनों चीजों को हम डिटेल में लेते हैं, म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं। म्यूटेशन को अगर डिफाइन करूं तो ये है एक रैंडम चेंज, आप कंट्रोल नहीं कर सकते इसको, ये रैंडम है, ये सडन है, एकदम से ही होगा, प्री प्लान नहीं है, रैंडम सडन चेंज। किसमें? जेनेटिक मटेरियल में, इन जेनेटिक मटेरियल, आपके डीएनए में कोई रैंडम सडन चेंज आ जाएगा तो वो म्यूटेशन कहलाएगा, ठीक है। और म्यूटेशंस होते हैं, ये सारी कहानी होती है, ये सब कुछ जो है हमारे पास, इसकी रीजंस क्या है, क्या है ऐसी चीज जो चेंज ला सकती है, कौन है जो ये ट्रिगर करता है, ठीक है। तो देर आर टू वेज दैट वी कैन ट्रिगर इट, और जिन चीजों की वजह से ये रैंडम सडन चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं म्यूटाजेन। क्या बोलते हैं उनको? म्यूटाजेन। म्यूटाजेन आर कंपाउंड्स और रेडिएशंस और एजेंट्स, सिंपल लिख लो एजेंट्स, है ना, एजेंट्स दैट कैन कॉज म्यूटेशन। कितना ऐसा गोलमोल सा आंसर है ना, म्यूटेशन क्या है जो म्यूटेजन कराते हैं, म्यूटेजन क्या है जो म्यूटेशन, सिंपल, ठीक है। तो कंपाउंड रेडिएशन और एजेंट्स दैट कॉजेज म्यूटेशन, कॉजेज म्यूटेशन, करा दिया म्यूटेशन, बढ़िया बात। कैसे? ब्रॉडली दो कैटेगरी में टिकाओ इनको, एक आ गया मेरे पास फिजिकल, फिजिकली फिट म्यूटेशन, म्यूटाजन, और दूसरा आ गया केमिकल, ठीक है। केमिकल मैं दूसरे पेज में बताऊंगी, पहले बात करते हैं फिजिकल म्यूटाजन की। फिजिकल म्यूटाजन में आते हैं रेडिएशंस बेटा, रेडिएशन होते हैं दो तरीके की हमारे पास, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल बात है, ध्यान से सुनना, दो तरीके की रेडिएशन होती है, एक स्ट्रॉन्ग रेडिएशन जो हमारे स्किन के बैरियर को पार करके अंदर तक जा सकती है, ठीक है, और दूसरी होती है थोड़ी वीक जो सिर्फ स्किन को अफेक्ट करेंगी। देर आर टू टाइप ऑफ रेडिएशन दैट आर इन्वॉल्व, आयनाइजिंग जो ज्यादा अंदर तक डीप घुस सकती है हमारे टिश्यू के अंदर, और दूसरी है नॉन आयनाइजिंग। नॉन आयनाइजिंग में हमारे पास आता है यूवी रेज, यूवी रेज, यूवी रेज क्या करती है, इमेजिन करो ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये साइड में ऐसे सीक्वेंस, हमारा डीएनए, जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता रही हूँ, चार नाइट्रोजनस बेस का बना हुआ है, ए टी जी और सी, उसका कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है, ए के साथ टी पेयर करता है, टी के साथ ए पेयर करता है, ठीक है, जी के साथ सी आता है, सी के साथ जी आता है। अब हमारे डीएनए में ऐसा हो सकता है कि साइड बाय साइड दो टी बैठ जाए, ठीक है, सामने वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसका। म्यूटेशन से क्या होगा, यूवी रेज क्या करा जाती है, ये आपस में बॉन्ड बनवा जाती है इनका, ये बन जाता है थाइमिन डाइमर। क्या बन जाता है? थाइमिन डाइमर। इसको हटाने का काम हमारा इंटरनल जो सेल है ना करता रहता है बेटा, ऐसे तो वरना आप धूप में निकले, यूवी रेज आप पे पड़ी, म्यूटेशन हो जाएगी। पहली बात, ये स्किन के बियॉन्ड जा नहीं रहा, ठीक है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट पेनिट्रेटिंग योर स्किन, स्किन के बियॉन्ड जाएगा नहीं,
इसलिए ज्यादातर इन थायमिन डाइमर्स के बनने से स्किन कैंसर होता है। ठीक है, तो हमारा सेल यूजुअली इनके रिपेयर में लगा रहता है, समझ रहे हो ना, कि बन गया चेंज कर देगा ठीक कर देगा फिर तोड़ देगा ठीक कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रह गया किसी सेल में, बच गया कैंसर, म्यूटेशन से एक्समैन नहीं बनते, ये ध्यान रखना, म्यूटेशन से एक्समैन नहीं बनते हो, म्यूटेशन से कैंसर हो जाता है। ऐसे ही आयनाइजिंग रेडिएशन, ये तो और बिल्कुल जहरीले म्यूटेशंस हो गए कि आपकी बॉडी को मतलब पेनिट्रेट कर जाते हैं। जैसे सबसे ज्यादा सोचो, आप एक्सरे जब कराने जाते हो, जा रहे हैं ना वो बॉडी के अंदर तक एक्सरे, इसलिए डॉक्टर आपसे पूछता है आखिरी बार कब कराया था, और अगर एक्सरे है तो दे दो, अगर आपके पास एक्सरे है तो दे दो हमें, और कराया कब था लास्ट। बार 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 एक्सरेज नहीं करते वो आपके। अल्फा रेज स्ट्रॉन्ग, बीटा रेज, गामा रेज, ये घुस जाएंगे बॉडी के अंदर और इतने स्ट्रांग होते हैं कि डीएनए के पीछे बैकबोन तोड़ते हैं। ये लाइन बनाई थी ना, इसी को तोड़ देंगे। दे कैन, दे आर सो स्ट्रांग, दे कैन ब्रेक, ब्रेक्स द बैकबोन, बैकबोन ऑफ डीएनए, डीएनए को तोड़ने तक की कैपेसिटी रखते हैं। तो सोचो अगर इससे म्यूटेशन हुई तो गड़बड़ी हो जाएगी ना ऑब्वियसली। और अगर ऐसी जगह म्यूटेशन हो गई, मान लो आपकी स्किन में हुई है ना, आपके किसी और लंग्स में हुई, या किसी और रीजन से आपके पास म्यूटेशन हो गई, आपके नेक्स्ट जनरेशन में नहीं गई ना, नेक्स्ट जनरेशन में कब जाएगी, जब या तो ओवरी के सेल्स में, एग में, या स्पर्म में म्यूटेशन हो जाए, तो चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन में चले जाए। तो जो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल्स। इन सोमैटिक म्यूटेशन से कुछ नहीं होगा, सोमैटिक म्यूटेशन से कुछ नहीं होगा, वो आपको अफेक्ट करेंगे, आपके नेक्स्ट जनरेशन को नहीं करते। लेकिन अगर आपके जर्म सेल्स में, एग में, या स्पर्म में कोई म्यूटेशन होती है, तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट जनरेशन पे आता है बच्चा। ठीक है, ये तो हो गए फिजिकल। केमिकल म्यूटेजन्स, सबसे पहला केमिकल म्यूटेजन यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, मस्टर्ड गैस, वर्ल्ड वॉर 2 में। केमिकल म्यूटेजन्स वाज फर्स्ट यूज्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस क्या कराता है, ये आपकी बॉडी के हर एक सेल का जेनेटिक मटेरियल क्लंप करा देगा, ये कोएगुलेशन करा देता है। कोएगुलेशन का मतलब याद है आपको, प्रोटीन होता है कोएगुलेट, ऐसे वो क्लंप बन जाता है, जैसे पनीर बनता है आपका, ऐसे हो जाएगा आपका जेनेटिक मटेरियल अंदर सारा। ठीक है, कोएगुलेशन किसका, डीएनए का, जेनेटिक मटेरियल का, उड़ा दिया इसने। तो बाद में समझ में आया कि भाई गड़बड़ मामला है, वर्ल्ड वॉर 2 के साम टाइम पे, तो बोला नहीं अब कोई नहीं यूज करेगा। और प्रॉब्लम पता है म्यूटेशंस का क्या है, उस टाइम पे जो मरा सो मर गया। ठीक है, रेडिएशंस वगैरह भी जो आपके ये न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह से लीक होने के चांसेस होते हैं, चेर्नोबिल वाला आपने इंसिडेंट सुना होगा, जो मरा सो मरा, लेकिन जो लोग उसके सिर्फ कांटेक्ट में आ गए और बच गए, उनमें प्रॉब्लम आएगी, उनके नेक्स्ट जनरेशन में प्रॉब्लम आएगी। आप समझ रहे हो कितना, ऐसा नहीं है कि आज की डेट में जिसने जहर खाया वो उसको प्रॉब्लम है, नहीं, उसके आगे की सारी जनरेशन गड़बड़ हो सकती है। तो म्यूटेशंस से एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी आता है बेटा, वो इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। केमिकल म्यूटेजेंस की दो कैटेगरी है मेरे पास, एक कैटेगरी ये जो अफेक्ट करती है आपके रेप्लिकेटिंग डीएनए को, किसको अफेक्ट करती है, रेप्लिकेटिंग डीएनए को इफेक्ट करती है। मैं तो भाई रेप्लिकेट कर रहा था, तू बीच में क्यों अड़ा। ठीक है, और दूसरे केमिकल हैं जो बोले रेप्लिकेट कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें प्रॉब्लम नहीं, हमको प्रॉब्लम क्रिएट करना है, कैसे भी करेंगे, वो हमारी प्रॉब्लम है। डीएनए एस फेज में है कि नहीं, हमें नहीं फर्क पड़ता, वी आर हेयर टू मेक क्योर्स, हम आए हैं स्पैम करने, हम स्पैम करके जाएंगे।
ठीक है, तो ये भाई साहब ये महाशय निकलते हैं दोनों को अफेक्ट करने, रेप्लिकेटिंग एज वेल एज नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए, नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए दोनों को गड़बड़ कर रहा है। रेप्लिकेटिंग डीएनए के लिए हमारे पास आता है कुछ डाइज होती है, अंदर घुस के बैठ जाती है, एक्रिडीन डाइज। डीएनए बेचारा रेप्लिकेट कर रहा था, खुलता चल रहा था, उसके पूरे लैडर में बीच में घुस के बैठ गया है। अब इमेजिन करो, वो लकड़ी वाली सीढ़ियां आती थी, तुम चढ़ रहे हो चढ़ रहे हो चढ़ रहे हो चढ़ रहे हो, बीच में सीढ़ी नहीं है, तो सीधा या तो जंप मारो, ठीक है, या वो बीच में जो सीढ़ी है उसमें मैंने सीमेंट घुसा दी कि ले अब चढ़ जा। बोला कैसे? तो वहीं से आपका सारा का सारा मशीनरी जो बेचारी डीएनए को रेप्लिकेट करने में लगी हुई थी हट जाएगी। बोले पहले तुम कर लो बकवास, ठीक है, तुम पहले सफाई करो, ये कचरा हटाओ, नहीं तो हम आगे रेप्लिकेट नहीं कर रहे। हो गई म्यूटेशन, बच गई बैंड, एक ही तो न्यूक्लियोटाइड का चाहिए था, उसकी धज्जियाँ उड़ गई, प्रॉब्लम। दूसरा हमारे पास आ जाता है इसमें बेस एनालॉग्स, बेस एनालॉग्स, बेस एनालॉग्स आर दो स्ट्रक्चर्स जिसमें कि आपके पास इमेजिन करो डिफरेंट फॉर्म है बेटा न्यूक्लियोटाइड्स के, न्यूक्लियोटाइड्स के, जो मेरे पास नॉर्मल एडेनिन होना चाहिए ना, इसको कन्वर्ट करा दिया जाता है जैसे हाइपोजैंथिन में, हाइपोजैंथिन में, और ये भाई साहब जाके जुड़ जाते हैं साइटोसिन के साथ। ऐसी बेतुकी म्यूटेशन होने लगती है। मेरा डीएनए रेप्लिकेट हो रहा था, एक जगह टी लगा दिया मैंने, घुसा दिया, या फिर इसको भी हटाओ, ये भी नहीं, ये इसको तो हम नॉन, हाँ इसको नॉन रेप्लिकेटिंग वाले में पढ़ लेंगे, इसको देखो, हाँ इसका देखो बेस एनालॉग, जैसे कि डेरिवेटिव फॉर्म देखो, बताती हूँ इसका, आर्टिफिशियल बाहर से आ गया कुछ या नेचुरल। आप मुझे बताओ, डीएनए और आरएनए है ना, जेनेटिक मटेरियल डीएनए हमारा, आरएनए बनाता है, दोनों चीजें न्यूक्लियस में हो रही है मेरे पास। आरएनए में यूरासिल होता है, डीएनए में थायमिन होता है, बढ़िया बात। लेकिन अगर थायमिन की जगह मैं यूरासिल डीएनए में लगा दूं, म्यूटेशन, क्या कोई बाहर से आया? नहीं। क्या कुछ गड़बड़ हुई? कोई अलग चीज कहीं और प्रेजेंट थी? नहीं, बस जो चीज जहां होनी चाहिए थी वो उस टाइम पे वहां ना होके कहीं और है। हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए बनाता चल रहा है, वो इतनी स्पीड में भागता है, वो इतना पागलों जैसे भागता है, ठीक है, वो 2000 बेस पेयर, 2000 बेसिस, 4000 बेसिस सेकंड में लगाता है। आपने आंख झपकी इतनी देर में तो डर गया, तो वो थोड़ी ना बैठ के वेट कर रहा है कि यार मेरा तो यूरास, मेरा ना थायमिन खत्म हो गया है मेरे पैकेट में, कोई ला दो थायमिन तो मैं लगाऊं। उसने तो देखा ना मेरे पास थायमिन नहीं, चल ठीक है यूरास से लगा, भगो काम खत्म करना है, एस फेज के अंदर अंदर डीएनए रेप्लिकेशन खत्म करना है। गलत चीज, गलत टाइम, गलत जगह लग गई म्यूटेशन। ये तो बात हुई जब मैं सेल के अंदर ही हूं। आर्टिफिशियल इज कभी कभार कुछ केमिकल कंपाउंड्स बाहर से एंट्री कर जाते हैं सेल में, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि 2-अमाइनो प्यूरीन, टू अमाइनो प्यूरीन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, ठीक है। नेचुरल में हमारे पास आ जाएगा 5-मिथाइल यूरासिल, 5-मिथाइल यूरासिल, 5-मिथाइल, 5-5-हाइड्रोक्सीमिथाइल, सॉरी साइटोसिन है, यूरासिल नहीं है, साइटोसिन होगा, 5-मिथाइल साइटोसिन, ऐसे ही 5-हाइड्रोक्सीमिथाइल साइटोसिन भी होता है, 5-हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन। बहुत सारे ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं, गड़बड़ कर जाएंगे। लेकिन इसको कौन है, कौन है इतना मस्त आदमी कि बोले डीएनए रेप्लिकेट करना हो चाहे ना कर रहा हो, हम तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यहां आता है हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड, ये मैंने आपको बताया ना,
पढ़े पढ़ाए चुपचाप पढ़ा डीएनए, उसमें चेंजेस कर जाता है, एडेनिन को बदल जाएगा हाइपोजैंथिन में, ये जाके यूरासिल के साथ पैर हो जाएगा। ए पैर होता है बेटा थाइमिन होता है और एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ पैर, ये है हमारी नॉर्मल डीएनए के अंदर की पैरिंग। जहां इसके साथ झोल हुआ वहां गई कहानी पानी में, ग्वानिन को उठाया, ठीक है मेरा कर्सर, ग्वानिन को उठाया, जैंथिन में बदल दिया, तबाही मचाने आया था ये, ठीक है ये जाके मैच हो गया सी के साथ। प्रॉब्लम मेरे को ये नहीं है कि जी और सी, मैम आप तो बोले तो जी और सी तो नॉर्मल है ना, हाँ नॉर्मल है, बट जैंथिन ने क्या गड़बड़ कर दी कि उसने ग्वानिन को जैंथिन में बदल दिया है। नाइट्रस ऑक्साइड ने एक डीएनए तो खराब किया, एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड होते हैं, एक गड़बड़ कर दिया यार, नॉट नाइस। अब आपको ये सब कुछ थोड़ा ऐसे कुछ बच्चों को जिन्होंने आगे नहीं पढ़ा अभी, जो शायद 11th में है या सिर्फ 12th में है, जिनका रिवाइज नहीं हुआ है 11th, बेटा ये वो चीज़ है जो आपके साथ गड़बड़ कर जा रही है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायो मॉलिक्यूल्स में भी पढ़ोगे, शायद सीप मैम ने स्टार्ट कर दिया बायो मॉलिक्यूल्स जुआलॉजी में, तो उससे कनेक्ट करना, ठीक है, नहीं तो मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कराऊंगी, उसमें कवर करा दूंगी, चिंता मत करो, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना इसके लिए, सब समझ में आएगा। प्रॉब्लम आएगी तुम जानते हो, 5 बजे डाउट सेशन है, 5 बजे कुछ भी नाम रखा हो मैंने सेशन का, 5 बजे आ जाओ, क्वेश्चन पूछो, डाउट पूछो, सॉर्टेड, ठीक है, बट आई हैव टू सी यू देयर, ठीक है। और फटाफट से लाइक और शेयर करो, जल्दी 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब। अदर टाइप ऑफ म्यूटेशन, भरे पड़े म्यूटेशन ही म्यूटेशन है जिंदगी में, तीन तरीके के म्यूटेशन होते हैं, जीन में हो गया म्यूटेशन, जीन गड़बड़ हो गई, ठीक है, जीन किसी वजह से गड़बड़ हो गई, जीन में म्यूटेशन, क्रोमोसोम टूट गया, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर खराब हो गया। आप मानो आप भाग रहे थे बहुत स्पीड में अपने दोस्त से, आगे 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 चॉकलेट ले गए, वाह मैं भागा, गिरे, हाथ छिल गया, पैर छिल गया, एब्रेजन हो गया ना, छिल गया, एब्रेजन का मतलब स्ट्रक्चर खराब, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर गड़बड़ आ गया। एंड द थर्ड इज हमारा प्यारा जीनोमैटिक म्यूटेशन, इसमें तो सब ही गड़बड़ हो जाएगा, ये तो उच्च लेवल का गड़बड़ है, जीन में म्यूटेशन, क्रोमोसोम टूट जाए, या जेनेटिक मटेरियल जो मेरे पास कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन ही बिगड़ा जाए। हर एक को डिटेल में ले रही हूं मैं, ये एक फ्लो चार्ट ताकि आपको एक जगह पर कंसाइज मिल जाए बात, ठीक है, लेट्स गो इन डिटेल्स। जीन का म्यूटेशन, जीन क्या है तुम लोगों को सबसे पहला चैप्टर में बताया था मैंने, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट और यूनिट ऑफ डीएनए, कैसा डीएनए का यूनिट, फंक्शनल स्ट्रक्चरल, ये आगे जाके प्रोटीन बनाता है, इसमें गड़बड़ कराई मैंने, प्रोटीन खराब बनेगा, प्रोटीन खराब बनेगा, मैं अजीब दिखने लगूंगी, फिनोटाइप पे इफेक्ट आएगा, याद है क्रोनोलॉजी समझिए आप, जीन गड़बड़ हुई, प्रोटीन गड़बड़ होगा, प्रोटीन गड़बड़ हुआ फिनोटाइप में दिखाई देगा, फिनोटाइप गड़बड़ हुआ चेंज, हम है क्या, हम है क्या, जीन्स के एक्सप्रेशन का पिटारा, वही चीज चल रही है यहां पे। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए ने करी क्या कहानी, सेगमेंट ऑफ डीएनए हमें ले आ जाता है, उस सेगमेंट को ठीक रखना है, उसमें म्यूटेशन हुई गड़बड़, म्यूटेशन क्या हो सकती है, एक ना स्ट्रक्चर आपको एक सेंटेंस देती हूं मैं, उसी से सारी कहानी समझेंगे, ठीक है, छोटा छोटा सेंटेंस है, द कैट एट द रैट, ठीक है, आपकी बिल्ली चूहा खा गई है, ये तीन तीन में मैंने क्यों लिखा है इसकी ना मिस्ट्री थोड़ी, अभी गुत्थी यही रहने दो, इसको सुलझाएंगे अगले चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस में, ठीक है। हमारा डीएनए को या आरएनए को पढ़ने का, आरएनए को पढ़ने का तरीका तीन 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 में होता है, तो उसके डिटेल में नहीं जा रही मैं अभी यहां पे, बट हम इसकी गुत्थी सुलझाने आएंगे जरूर वापस, कौन से चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, बट अभी तीन तीन सेंटेंस से समझो, गड़बड़ हो गई, इमेजिन कि किसी रीजन से वो सडन सडन रैंडम चेंज, किसी रेडिएशन की वजह से, किसी केमिकल की वजह से,
हुआ यहाँ पे ऐसा कि कुछ डिलीट हो गया, डिलीशन, मान लो सी उड़ गया, सी उड़ा अगर, तो अब सेंटेंस की हालत हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे कि द तो ठीक है, लेकिन ए टी ए टी ए टी ई टी एच ई आर, तीन तीन में रीड करना है, ए टी, ये हो गया हालत। इस पॉइंट पे जहां से कुछ डिलीट हुआ था उसके आगे का मेरा सेंटेंस ही खराब हो गया, है ना? ये सेंटेंस जो मेरा खराब हुआ इसको हम बेटा डिलीशन के साथ साथ एक और चीज हो गई यहां पे कि फ्रेम शिफ्ट हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, गड़बड़ हो गई यहां पे। जहां डिलीशन हुई उसके आगे का सब रीडिंग गड़बड़ हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंसर्शन, कोई गलती हुई डीएनए रेप्लिकेट करते टाइम, हमारा जो पॉलीमरेज भाग रहा है आंख बंद करके, दब 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 न्यूक्लियोटाइड लगाता हुआ, उसने गलती से इस पॉइंट पे कुछ ऐड कर दिया, इस पॉइंट पे मान लो एक्स ऐड कर दिया, ये हो गया टी एच ई सी ए टी, बढ़िया है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ गया एक्स ए टी, लो जी हो गई कहानी खराब। ई टी एच ई आर ए टी, अलग रह गया। इस चीज को इंसर्ट करते ही इंसर्शन से आगे का फिर वही कहानी, फिर से फ्रेम शिफ्ट, किस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे म्यूटेशन हुई उधर से। सेम चीज को तीन नाम दिए हैं, इंसर्शन किसी के आने से प्रॉब्लम हुई है, क्या प्रॉब्लम हुई है, इंसर्ट होते ही आगे का पूरा रीडिंग फ्रेम बदल गया, जैसे मैं सेंटेंस पढ़ रही थी अब पढ़ना ही अलग हो गया पूरा। इसका इफेक्ट बेटा सारे आगे जितने अमाइनो एसिड लगने थे ना सब पे आया, मॉलिक्यूलर बेसिस छोड़ना मत वो पॉइंट, ठीक है। पढ़ाऊंगी मैं फुल डिटेल में पढ़ाऊंगी और यहां से कनेक्ट भी करूंगी वापस, ठीक है, बस साथ जुड़े रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक में, ठीक। कहानी है, कहानी का थोड़ा सा ट्विस्ट है, पार्ट टू में कुछ तो हो, है ना, रेस पार्ट वन है, रेस पार्ट टू में कुछ तो आएगा, तो वो थोड़े अनसॉल्व सिचुएशन हम सेकेंड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में उठाएंगे। इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, लेकिन आप एक चीज और ध्यान दो कि एक ही पॉइंट पे म्यूटेशन हो रही है, एक पॉइंट पे म्यूटेशन है, ऐसे को हम पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल पकड़ो, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये जो टी है ना इसकी जगह पर मैं लिख देती हूँ ए, ठीक है, तो सेंटेंस कैसा हो गया, अब द कैट एट ए एच ई रैट, म्यूटेशन सिर्फ इस पॉइंट की है, ठीक है, तो ये क्या हुई, पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन भी है क्योंकि एक ही न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है, पॉइंट म्यूटेशन बेटा, सिर्फ एक चीज गलत हुई है, आगे कुछ नहीं बदला, आगे का रीडिंग फ्रेम सही है, लेकिन जो होना था उसकी जगह कुछ और आके बैठ गया। कुछ और आके क्या बैठ जाएगा भाई, सिर्फ डीएनए तो है, डीएनए में ए और जी जो है ये है हमारे ए जी प्यूरीन्स हैं, ठीक है, ए जी प्यूरीन, सी टी थायमिन साइटोसिन, दोनों की स्पेलिंग में वाई आता है, ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, पिरिमिडीन में वाई आता है, दोनों की स्पेलिंग में वाई है, इसमें वाई है। दो तरीके के सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हैं जिंदगी में, ठीक है, जैसे कि बॉटनी की टीचर कहेंगे बॉटनी का टीचर आ जाए, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा डिफरेंस आएगा लेकिन कोई नहीं, कोई खराबी नहीं है, चेंज है आई अंडरस्टैंड, लेकिन बहुत ज्यादा कोई खराबी नहीं है। तो प्यूरीन की जगह कोई और प्यूरीन लग जाए, या पिरिमिडीन की जगह कोई और पिरिमिडीन लग जाए, ऐसा कुछ चेंज आ गया,
तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन, छोटा वर्ड छोटा चेंज। लेकिन प्यूरीन की जगह कोई पिरिमिडीन आ जाए, बॉटनी कोई पढ़ा ही नहीं रहे, बॉटनी के टीचर की जगह फिजिक्स का टीचर आ गया, दो फिजिक्स टीचर हो गए, बॉटनी का क्या होगा, है ना? तो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम, ज्यादा बड़ा वर्ड, ट्रांस वर्जन। जब प्यूरीन की जगह पिरिमिडीन आ जाए या पिरिमिडीन की जगह प्यूरीन आ जाए, समझे मेरी बात? ये सारे अलग अलग तरीके के जीन के म्यूटेशन है। सीक्वेंस में कोई एक जीन, एक न्यूक्लियोटाइड, दो तीन चार, कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? तो आप जानते हो कि एक जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करती है। चलो अगर मल्टीपल कैरेक्टर भी कंट्रोल करती हो, जैसे कि प्लियोट्रॉपी में होता था, फिर भी हमारे पास, चल भाई मतलब है ये बहुत बड़ा चेंज सारे ही, लेकिन अगर बाकियों से देखूं तो ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदा तो है। कहानी में ट्विस्ट लेके जाता है क्रोमोसोमल एबरेशन, ये दुनिया घुमाने वाला प्रॉब्लम। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, चेंज, यार एक तो स्पेलिंग, एक मिनट रुको, किसमें चेंज? चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, क्या चेंज होगा? चेंज होने वाला है कुछ ऐसा। मैं ना ये नॉर्मल बना देती हूँ, नॉर्मल क्रोमोसोम बना रही हूँ बेटा, ध्यान से देखना इसको, ध्यान से देखो प्लीज, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ज्यादातर क्रोमोसोमल एबरेशन से कैंसर ही हो जाता है, इतने तगड़े तगड़े का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है? मैं एक नॉर्मल क्रोमोसोम आपको बना रही हूँ और उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या क्या बदल गया, समझे मेरी बात? एक से ही देखेंगे क्या क्या बदल गया। तो हमने जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम बना दिया ऐसा, इमेजिन दिस इज योर क्रोमोसोम, ये है ए जीन, बी सेंट्रोमियर, सी जीन, डी जीन, ई जीन। अब सारे झोल जो हो रहे हैं ना, मैं इसी इसी के एग्जांपल से समझाऊंगी। ये आपका नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसमें कुछ नहीं बदला, इसमें सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अपनी जगह पर है। इसमें गड़बड़ नंबर वन, गड़बड़ नंबर वन, कहीं से क्रोमोसोम टूट गया तो, अगर कहीं क्रोमोसोम टूट गया तो डिलीशन, वो बीच से भी टूट सकता है, वो कोने से भी टूट सकता है, मैं कोने तो तोड़ के दिखा रही हूं आपको। तो क्या हो जाएगा, आपका क्रोमोसोम में ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है, लेकिन ई गायब है। क्या करूं, डी गायब है, ई गायब है, लास्ट वाला क्रोमोसोम में टूटा हुआ है। और ये तो चलो मैंने एक जीन गायब करी आपकी, आप सोच के देखो क्रोमोसोम का एक सेगमेंट टूट गया, सेंट्रोमियर के नीचे का सारा पार्ट गायब है, कितने सारे जीन्स जाएंगे, कितना मल्टीपल इफेक्ट आएगा, लेकिन गया कहां भाई, कहां डिलीट हो गया, किधर चला गया, ऐसा क्या हो गया? याद है काहे बैठा बनता था मियोसिस के टाइम पे, खच खच, इधर से इधर, इधर से इधर, एक्स शेप स्ट्रक्चर ऐसे निकलेंगे, ये खच खच हुआ, ये गायब हो गया अंकल, टहलने चल दिए। और मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि किसी जीन का उसी के लोकेशन, उसी के लोकस पे होना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर उसका लोकस उसकी जगह पर नहीं होगा, वो वहां नहीं मिलेगा, उसका एक्सप्रेशन नहीं कराएंगे, उसको अपने एड्रेस पर होना जरूरी है, ठीक? दूसरी गड़बड़, डुप्लीकेशन हो सकता है भाई, डुप्लीकेशन हो सकता है बेटा, ध्यान से लिखते रहना और समझते रहना इन बातों को, ठीक है? साथ साथ लिखना जरूरी है, रिवाइज करते टाइम भी लिखना जरूरी है। आप क्लास में हो, 1.5 घंटा हो ना क्लास में, जो जो लिखवा रही हूँ फटफट फटफट लिखते जाओ, जो बच्चे ड्रॉपर भी हैं उनका अच्छा रिवीजन हो जाएगा अगर हाथ चल रहा होगा साथ साथ। तो कीप राइटिंग, कीप राइटिंग,
डुप्लीकेशन में क्या हो गया, मान लो ये सी और डी वाला पार्ट है, ठीक है, ये हम ऐसे थे, ये ऐसे था, ये ए जीन है मेरा, ये बी जीन है, और ये लो जी सी, और ये डी, और ले फिर सी, और ले फिर डी, और ये ई। हो सकता है जो किसी और जगह से टूटा हो वो यहां जाके घुस जाए, डबल हो गया, डुप्लीकेशन हो गया है एक सेगमेंट का, ऐसी गड़बड़ भी हो सकती है। ठीक है, एक और गड़बड़ हो सकती है, घूम जाए क्रोमोसोम, इन्वर्जन हो जाए, इन्वर्जन हो जाए भाई। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम हैं इधर, ये इधर से इधर, ठीक है, ये ए जीन, ये बी जीन, ये वाला सेगमेंट घूम गया, ये हो गया डी ऊपर और सी नीचे और ले ई यहाँ, ये गड़बड़ हुई यार। मैं सी को ढूंढने जाऊंगी डी मिलेगा, डी को ढूंढने जाऊंगी सी मिलेगा, मिली नहीं ना, घर बदल लिया, एड्रेस बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिए, है ना, कवर ही नहीं पहुंचेगा हमारा, एक्सप्रेशन ही नहीं पहुंचेगा, एक्सप्रेशन नहीं पहुंचेगा, प्रोटीन खराब, प्रोटीन खराब, फिनोटाइप में चेंज, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। तीनों कंडीशन देखे, अब एक और लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला कहलाता है ट्रांसलोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलोकेशन का एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी काफी है बेटा। ट्रांसलोकेशन ने क्या किया ना, ट्रांसलोकेशन में हमारे पास आ गया कि पेयरिंग, वो काइजमेटा बनाते टाइम सारी गड़बड़ वही है, मियोसिस हो गया तो गड़बड़ होने के चांसेस है, ठीक है, काइजमेटा बनाते टाइम प्रॉब्लम कुछ ऐसी क्रिएट हो गई कि ये लो जी ये तो मेरा नॉर्मल था क्रोमोसोम, ठीक है, ये था ए बी सी डी ई, ये भाई सब गए और पेयर कर जाते हैं एक ऐसे क्रोमोसोम के साथ जो इसका है ही नहीं, जो इसका पेयर है ही नहीं, ये भाई सब पी क्यू एस आर ऐसे जीन लेके बैठा है, आर एस कर देते हैं यार तुम लोग कंफ्यूज ना होना, आर और एस, ये पेयर हो गए भाई, दे गेट पेड यहां पे बन गया काइज बेटा, पोपट, गलत पेयरिंग, गलत पेयरिंग। देखिए धप्पा हो गया यहां पे, गलत पेयरिंग, ए बी सी आर एस हो जाएगा, ये चला जाएंगे साथ पी क्यू के साथ, डी ई चला जाएगा, क्या हो गया, क्रोमोसोम रिवर्स, पूरा जेनेटिक मटेरियल इधर का उधर, रेसिप्रोकल, जितना तूने मुझसे जेनेटिक मटेरियल लिया उतना मैंने तुझसे ले लिया, लेकिन गलत से एक्सचेंज हो गया। पेयरिंग जो होती है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है, जहां एक साइड अगर कैपिटल ए है तो दूसरी तरफ स्मॉल ए या कैपिटल ए हो, जीन्स थोड़ी बदलते हैं, ये वहां से जाके किसी और के साथ ही पेयर हो गए, ठीक है, तो ये हो गई हमारी नॉन होमोलोगस पेयरिंग, नॉन होमोलोगस पेयर बन गया। ऐसा हमने पहली बार जब देखा था तो हमने देखा था 22 और 9 क्रोमोसोम के बीच, जिससे हो जाता है क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया, कैंसर, ब्लड कैंसर, CML बोलते हैं इसको, और 22nd क्रोमोसोम को हम बोलते हैं फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम, क्योंकि पहली बार वहीं मिले थे अंकल विद CML, देख रहे हो क्रोमोसोम टूट गया, घूम गया, इधर का उधर, उधर का इधर, मैम प्रॉब्लम क्या है तो हमारे सेल में ही, न्यूक्लियस के अंदर ही है, ढूंढ लेंगे, नहीं ढूंढ सकते, लोकेशन बदल दिया तो कुछ नहीं ढूंढ सकते, खो गया वो हमेशा हमेशा के लिए, जब एक छोटे से जीन से इतना प्रॉब्लम आ सकता है तो सोचो अगर क्रोमोसोम ही टूट जाए तो क्या हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशंस लीड टू कैंसरस कंडीशंस, ठीक है, क्रोमोसोम की गड़बड़,
और ये इतनी स्ट्रांग होती है ना कि अगर किसी में है, किसी में अगर क्रोमोसोम का प्रॉब्लम है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर खराब है, टूट गया, तो इतने सारे जीन्स अफेक्ट होते हैं, इतने सारे फैक्टर्स, इतने सारे कैरेक्टर्स खराब होते हैं कि ज्यादातर स्टेराइल बन जाता है इंडिविजुअल, मोस्टली स्टेराइल बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आगे नहीं जाएगी ये, इनहेरिट होने के चांसेस कम है इसके, ये अच्छी बात है, लेकिन जीन म्यूटेशन लीथल नहीं हुआ तो आगे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, इनहेरिट हो जाएगा भाई। जीनोमैटिक म्यूटेशन, जीनोमैटिक म्यूटेशन में हमारे पास चेंज, ये लास्ट है आज का, इसके बाद आप लोग फ्री, ठीक है, चेंज इन, और ये प्लीज ध्यान रखना क्योंकि नेक्स्ट में कल की क्लास में कराऊंगी डिसऑर्डर्स, और डिसऑर्डर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आएंगे अगर ये सब रिवाइज नहीं होगा तो, ठीक है, मैं रिविजन सेशन लूंगी बेटा, लेकिन प्लीज इसको ध्यान रखना, ठीक है, और इसी बात पे फटाफट से लाइक शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो, एंड स्पेशल क्लास 5 PM, रिमेंबर चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही गायब होने वाला है, पहले जीन में गड़बड़ हुई, फिर टूट फूट गया, अब गायब ही हो जाएगा पूरा। अगर कुछ एक या दो में गड़बड़ होती है, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ क्रोमोसोम गड़बड़ होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, सम क्रोमोसोम इज लॉस्ट, जैसे आप नॉर्मल क्या हो, डिप्लॉइड हो, आपके पास हर क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज हैं, ठीक है, लेकिन मानो कि मम्मी के पास से जो एग आ रहा है उसके पास सारी कॉपी नहीं आई, गड़बड़ हो गया हमारे पास, ठीक है, मान लो क्रोमोसोम नंबर 21 की एक कॉपी एक्स्ट्रा आ गई तो भी प्रॉब्लम हो गया, ठीक, पापा के पास से कोई प्रॉब्लम हो गई, ये सारी प्रॉब्लम्स तब आती हैं अगर आपको थोड़ा सा याद हो बेटा मियोसिस, आई वुड रिक्वेस्ट कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जो 11th में है या अभी 12th में है और जिसने सेल साइकिल रिवाइज नहीं किया है, थोड़ा सा ना बेटा बस 11th की NCERT साइड में खोल लेना, उसी से मदद हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है, जब रिवाइज करोगे ना NCERT साइड में खोल लेना अपने, किसकी, 11th क्लास की, कौन सी, सेल साइकिल सेल डिवीजन का मियोसिस, उसमें आता था एनाफेज, एनाफेज 1 जिसमें ये दोनों अलग अलग जाते थे और एनाफेज 2 जिसमें इसकी स्प्लिटिंग हो जाती थी मेटाफेज में से, होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट एनाफेज 1, और ये ही अपने आप में दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हुए तो एनाफेज 2, गड़बड़ दोनों पोजीशन पे पॉसिबल है, कुछ ऐसी गड़बड़ किसने बोला कि देखो मैं तो यार तेरे साथ ही जाऊंगा, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग दोनों अलग अलग, ये भाई साहब दोनों एक तरफ चल दिए, अब नीचे वाले पास अब पहुंचा ही नहीं, सारे क्रोमोसोम आए, क्रोमोसोम नंबर क्रोमोसोम नंबर 5 गायब है, दोनों के दोनों ऊपर चले गए, तो गैमीट बनेगा आगे, कौन कहाँ जाएंगे हम, ठीक है, सो ऐसी गड़बड़ अगर 2N में से कोई एक क्रोमोसोम कम है, इसे हम बोलते हैं मोनोसोमी, किसी एक की कमी हो गई, अगर बाय चांस मानो किसी एक क्रोमोसोम का कोई भी नहीं आया, पापा के पास से भी नहीं आया, मम्मी के पास से भी नहीं आया, क्रोमोसोम नंबर 5 दोनों में से गायब है, क्रोमोसोम नंबर 5 ना पापा से आया गेमीट में ना मम्मी से आया, चांस की बात है, कितना रेयर होगा खुद खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो कितना रेयर चांस है ऐसा होने का कि पापा के पास से भी डिफॉल्ट वाला आपका ये फॉल्टी गेमीट आ गया और मम्मी के पास से भी ऐसा ही आ गया, तो 2N-2 लो जी दोनों क्रोमोसोम नंबर 5 या 2 या 1 या वट एवर दोनों गायब, इसको हम बोलते हैं नलीसोमी, कोई नहीं आया नलीसोमी। अगला 2N-1-1, बोल मैम वापस लिख दिया आपने सेम चीज, नहीं ये कहलाती है डबल डबल मोनोसोमी, इसको जब मैं लिखती हूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि शायद क्रोमोसोम नंबर 1 और 10 की एक कॉपी नहीं आई है, समझ रहे हो, जब मैंने बोला -2 मतलब सेम क्रोमोसोम की दोनों कॉपी नहीं आई,
सेम क्रोमोसोम की दोनों कॉपी नहीं आई है, ठीक है। लेकिन जब मैं देखती हूँ डबल मोनोसोमी, मतलब दो ऐसे कोई क्रोमोसोम है जिनकी एक एक कॉपी है मेरे पास, एक नहीं आई, शायद पापा से नहीं आई या मम्मी से नहीं आई, या शायद दोनों की दोनों मम्मी की साइड से नहीं आए हैं, दोनों के दोनों पापा की साइड से नहीं आए हैं, ठीक है। अगर मानो मैंने लिखा 2n+1, कोई एक्स्ट्रा आ गया है शादी में फ्री खाना खाने, ये हो गया हमारा ट्राइसोमी, ट्रिपल हो गई कंडीशन। 2n+2 वो खुद भी आया, अपने दोस्त को भी साथ ले आया है, ठीक है। टेट्रासोमी, किसी क्रोमोसोम की चार कॉपी हमें, क्योंकि डिप्लॉयड कंडीशन फुल है, जो मुझे चाहिए वो ये है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर से दो ऐड हो गए हैं, समझे मेरी बात। और अगर मैं ऐसे लिख दूं 2n+1+1 डबल ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी, देख रहे हो कैसे क्रोमोसोम का नंबर वैरी कर रहा है। और ज्यादा नहीं बेटा, ज्यादा नहीं, कुछ क्रोमोसोम्स का हेर फेर है, तो आप खुद सोचो पूरी की पूरी एक कॉपी एक्स्ट्रा है यार। जब बेटा पूरी पूरी की पूरी कॉपी एक्स्ट्रा आ गई, तो मेरे पास एक सेट ऑफ जीन्स एक्स्ट्रा बैठे हैं, अब काहे का डोमिनेंस, काहे का रिसेसिवनेस, क्या होमोजाइगस, क्या हेटरोजाइगस, तीन में क्या करूं, कहर मत जाना है अंदर। इतने सारे कैरेक्टर्स पे इफेक्ट आएगा, मैक्सिमम टाइम इट गोज फॉर ऑर्गेनिज्म, या तो स्टेराइल हो जाएगा, ठीक है, या सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सर्वाइव कर भी गया तो बहुत प्रॉब्लम्स, मेंटल रिटार्डेशन से लेके फिजिकल रिटार्डेशन सब हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी में तो पूरा पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, सेट ऑफ क्रोमोसोम इज एक्स्ट्रा, पूरा सेट की कॉपी बदल गई, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा। ये कैसे होने वाला है, एक से ज्यादा गेमीट फ्यूज कर जाते हैं तब होता है, एनिमल्स में तो बहुत ही रेयर है, एनिमल्स में हमें ज्यादातर ऐसा नहीं दिखता, प्लांट्स में दिख जाता है, प्लांट्स में, क्योंकि इतना ज्यादा आपका न्यूरल एंड ये सब नहीं है ना, इतना डेवलप नहीं है, वहां गड़बड़ कर जाता है। लेकिन एनिमल तो मर ही जाएगा भाई, कुछ नहीं कर सकते। तो हैप्लॉइड तो आप जानते हो, हैप्लॉइड नॉर्मल होता है, हैप्लॉइड में तो आपके पास एक ही सेट है, ये गेमीट्स में दिखता है ना हमको ज्यादातर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिप्लॉइड आपका नॉर्मल है, डिप्लॉइड इज 2n, लेकिन अगर ट्रिप्लॉइड हो गया तो अब आप देखो एनिमल्स में ट्रिप्लॉइड कंडीशन बहुत रेयरली आपको कहीं मिल पाएगी, थ्री सेट, तीन सेट हैं सारे क्रोमोसोम के, लेकिन ट्रिप्लॉइड कंडीशन आपने एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म में सुना होगा, वहां तो बड़ा नॉर्मल लगता है कि अरे वाह ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, है ना। तो यही डिफरेंस आ जाता है, यूप्लॉइडी मतलब जब आपके पास पूरा का पूरा सेट की एक और कॉपी, पॉलीप्लॉइड कंडीशन, मल्टीपल कॉपीज एक ही क्रोमोसोम के, कॉपी पे कॉपी पे कॉपी एक ही न्यूक्लियस में भर के बैठा हुआ है, चार हो गए तो, चार हो गए तो 4n, फोर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, टेट्राप्लॉइड, ठीक है। कॉमन इन प्लांट्स, यू कैन स्टिल फाइंड इट इन प्लांट्स, बट एनिमल्स में नहीं, वेरी 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 रेयर, ठीक है। अच्छा, टाइप्स डिसऑर्डर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, चिंता मत करो, इसको हम और डिटेल में लेंगे, बट आज का आप बेटा सारा रिवाइज करके आओगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूँ, द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बिटवीन क्रोमोसोम्स ऑफ अ होमोलोगस पेयर इज टर्म्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलोकेशन, क्रॉसिंग ओवर और क्रोमोसोमल एबरेशन। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है बेटा, लेकिन होमोलोगस पेयर है, दिस इज नॉर्मल क्रॉसिंग ओवर। लेकिन ट्रांसलोकेशन किसके बीच में होता है, नॉन होमोलोगस के बीच में,
नॉन होमोलोगस के बीच में, अगर किसी ने क्रॉसिंग ओवर ये सोचा था तो गड़बड़ सोचा था। ध्यान से देखो, ये यहीं पे तो बताया था मैंने, ये रहा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मैंने आपको कहा था ना कि एवोल्यूशनरी एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। क्या एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है? हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम बना, हमसे पहले वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं है, लोअर ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं है, तो कुछ तो चेंज हुआ ना। शायद ये क्रॉस 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 होते होते सारे सेक्स रिलेटेड जीन्स को एक क्रोमोसोम पे शिफ्ट कर दिया गया। पॉसिबल है, एवोल्यूशनरी तो है, हो सकता है। चिंपैंजीज का ये आपका क्रोमोसोम नंबर है 48, हमारा 46। तो धीरे धीरे कुछ जीन्स इधर इधर शिफ्ट हुए होंगे, कुछ ऐसे रहेगा कि ये तो चाहिए नहीं, धीरे धीरे खत्म। तभी एवोल्यूशन एक दिन में नहीं होता, टेक्स टाइम। ठीक है, अगला पॉइंट, म्यूटेशन इन्वॉल्व्स डिलीशन, इंसर्शन, चेंज ऑफ अ बेस पेयर और डुप्लीकेशन। देखो पॉइंट हो सकती है ये भी, लेकिन ये सबसे सही, ये है सब्स्टिट्यूशन। क्यों सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि डिलीशन और इंसर्शन से फ्रेम शिफ्ट हो जाता है आगे का, तो हम उसको ज्यादातर फ्रेम शिफ्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो एक थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस इसलिए लिया मैंने ताकि आप कहीं पे भी ऐसी जगह पे फंसो तो आपको पता हो क्या सोचना है। सब्स्टिट्यूशन में मैंने सिर्फ एक जगह के दूसरी जगह चेंज, प्यूरिन की जगह पिरामिडिन, पिरामिडिन की जगह प्यूरिन, प्यूरिन की जगह प्यूरिन, पिरामिडिन की जगह पिरामिडिन। लेकिन डिलीशन इंसर्शन से जैसे ही आपने डिलीट किया, आ गए सब कचरा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट, सी। 2015 का सवाल, AIPMT, द मूवमेंट ऑफ अ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर लिंकेज ग्रुप, एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप पे। लिंकेज ग्रुप क्या है हमारा? क्रोमोसोम बेटा। क्या कहलाएगा? ट्रांसलोकेशन, है ना? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच का एक्सचेंज, व्हाट विल इट बी कॉल्ड? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन, द मिथा द म्यूटेशनल इवेंट वेयर एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय गुआनिन, प्यूरीन को प्यूरीन से रिप्लेस कर दिया मैंने। छोटा चेंज, छोटा वर्ड, सबसे छोटा वर्ड ट्रांजिशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से आगे नहीं बदलता, सब्स्टिट्यूशन से वही पॉइंट चेंज होता है बस। ठीक है बेटा, ऑल राइट, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन। फटाफट से लाइक शेयर कर दो और सब्सक्राइब, और इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। दिस इज ऑल्सो स्टार्टिंग प्रयास बैच, अरमान बैच, ऐसे बहुत सारे और नए नए बैचेस भी स्टार्ट होते रहते हैं। ये भी 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। लक्ष्य बैच 5 से हो चुका ऑलरेडी। ठीक है, एस बैच अगेन 8 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। इंग्लिश के बैचेस भी कुछ स्टार्ट हो गए हैं, फिर से 8 बैच पे स्टेप अप बैच है नाम। ऐसे बहुत सारे नए नए बैचेस आते रहते हैं, आपको सिर्फ अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। नीट यूजी पे जाओ, प्लस पे जाओ, गेट सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे मैं स्पेशल क्लासेस लेती हूँ जहाँ आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो 5 PM पे। अगर सेशन पसंद आया हो तो कोमल लाइफ कोड यूज कर लो, गेट योर सब्सक्रिप्शन, 10% ऑफ मिल जाएगा, लेकिन मार्च से पहले पहले, मार्च के बाद इसमें रिडक्शन आ जाएगा। सारे ड्यूरेशन आपके लिए बिंदास ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज टोटली योर चॉइस। लेकिन जितना लंबे ड्यूरेशन के लिए आप कोर्स लेते हो उतना सस्ता पड़ता है, ये है प्लस। फिर आता है आइकॉनिक, आइकॉनिक में मस्त हमारे एक स्माइली अंकल आपको मिलते हैं। ठीक है, आपको गाइड करेंगे पूरे प्रोसेस में, एनालिसिस में, पेपर एनालिसिस, प्लानिंग, वीकली प्लानिंग, कब कौन सा पेपर आ गया, कब कहाँ कौन सा नोटिफिकेशन, सब कुछ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के सारे टीचर्स, और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी। कोमल लाइव कोड लगा दो और 10% लगा दो ऑफ फटाफट से। बाकी यू नो द बेस्ट। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप ऑन शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग, तुम्हारा प्यार और सपोर्ट हाईली नीडेड। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर देंगे PDF, वो भी मिल जाएगी नोट्स के साथ साथ, सब हैंड रिटन नोट्स, ऑल ऑफ देम यू विल गेट। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, कोई भी बुक जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, वो फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट आता है 5 बजे स्पेशल क्लास, आस्क योर डाउट्स। कोमल लाइव कोड है, यूज करना, पसंद आई हो पढ़ाने का तरीका और सब कुछ,
थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन एवरी डे योर एट 2 PM और स्पेशल पे 5 बजे. ठीक है, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय.